वेलकम टू आवर चैनल लर्न, और ये है क्लास 9 के लिए फिजिक्स। अब पिछली वीडियो में हमने जाना हमने सीखा कि एक स्टैंडर्ड यूनिट या कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है, क्यों होती है, मेजरमेंट क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, ये कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। हमने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी की नीड के बारे में देखा कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यों ज़रूरत होती है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फिर हमने देखा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, कि मतलब वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है कि हाँ ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एमटीएस यूनिट्स के बारे में। तो अगर तुमने इसके वाले वीडियो नहीं देखी है तो लिंक पर फ्लैश कर रही होगी, देख लो, क्योंकि कंटिन्यूएशन में हम अपनी पत्ते से पढ़ पाओगे, कंटिन्यूएशन नहीं रहेगी तो शफल करके पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा तुम्हारा क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन भंग हो सकता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ने सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? तो यार फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल किसी भी चीज़ का सबसे बेस पार्टिकल होता है, जो इसको तुम और टाइप में नहीं तोड़ सकते हो। तो इसी तरह से फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं वो सिर्फ ऐसे क्या है यूनिट होते हैं, सिंगल यूनिट से बने होते हैं, उनको और अलग अलग यूनिट्स में नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे कि बाई एग्जाम्पल ले लो तुम, अब तुम इसी छोटी यूनिट से जा सकते हो, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, या बड़े में जा सकते हो जैसे किलोमीटर, बहुत जा सकते हो। लेकिन ये उसके अलग अलग टाइप्स ऑफ यूनिट्स नहीं हो, जैसे अलग अलग चीजों के लिए नहीं हो। जैसे मान लो तुम ले लो अगर मीटर पर सेकंड ले रहे हो, तो तुम इसको दो अलग अलग यूनिट में बांट सकते हो, जो कि दो अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए होते हैं। जैसे कि मीटर लेंथ के लिए होता है और तुम्हारा जो सेकंड के लिए होता है टाइम के लिए। लेकिन वही मीटर को अगर सेंटीमीटर में लेकर किलोमीटर में ले जा रहे हो, तो ये किसी अलग क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट्स नहीं होंगे, ये बस एक ही क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स हो जाएंगे, उससे उसके छोटे फॉर्म या बड़े फॉर्म। जैसे कि सेंटीमीटर, मान लो मीटर अगर इतना बड़ा है तो इसमें छोटे 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 कई सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर तुम छोटी चीज़ों के लिए यूज कर सकते हो, मिलीमीटर उससे भी छोटी चीज़ों के लिए यूज कर सकते हो, तो मीटर यूज होगा तो 0.5 चला जाएगा। इसीलिए तो उसको आसान बनाने के लिए ये सब है, कोई छोटी चीज को मेजर करना है तुम्हें मिलीमीटर है तुम्हारा, अगर उससे थोड़ी सी बड़ी यूज करना है सेंटीमीटर है, उससे बड़ी यूज करना है मीटर है। और बहुत ही सिटीज के बीच में डिस्टेंस, दो प्लेसेस के बीच में बड़ी डिस्टेंस को अगर तुम्हें मेजर करना है तो उसके लिए तुम्हारा किलोमीटर है, और भी कहीं लाइट ईयर तुम्हारा प्लैनेट्स के बीच में या फिर गैलेक्टिक लेवल पे यूज होता है। तो ये होता है तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसकी डेफिनेशन जानो, द यूनिट्स व्हिच कैन बी नाइदर डिराइव्ड फ्रॉम वन और अनदर नॉर रिजॉल्व ब्रोकन इनटू एनीथिंग मोर बेसिक आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। वही चीज़ों में नहीं बताई वो यूनिट जो कि और किसी बेसिक यूनिट में तुम नहीं तोड़ सकते हो, जैसे कि तुम मीटर सेकंड को मीटर पर सेकंड को तोड़ पा रहे थे दो अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, तुम और किसी में मीटर को नहीं तोड़ सकते हो कि तुम तोड़ दे कोई और क्वांटिटी इससे लेंथ के अलावा मेजर कर लो, तुम उसको और नहीं तोड़ सकते हो अलग अलग। इसीलिए जैसे अभी इसीलिए दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। इसकी एक और डेफिनेशन है वो भी जान लो, a unit which is independent of any other unit or which can be neither be changed nor related to any other fundamental unit is a fundamental unit. फिर वही चीज, लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल होगा तो ये लिखना बेटर होगा तुम्हारे लिए। अब देख लो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स होंगे तुम्हारे, एक जगह नोट डाउन कर लेना इसको, कॉपी निकाल के डिसीजन डेफिनेशन करिए, वो भी एक जगह कॉपी में नोट डाउन कर देना बेटर रहेगा। तो तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट्स एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, मास तुम्हारा हो गया, तुम्हारा लेंथ जो भी बताया, तुम्हारा टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं।
ये तुम्हारा हो गया फंडामेंटल यूनिट्स। अब इसी तरफ दो तीन फंडामेंटल यूनिट्स को जोड़कर तुम्हारे बनते हैं डेराइव यूनिट्स। अब डेराइव यूनिट्स थोड़े से अलग होते हैं, तो अब उसके बारे में जानते हैं। अब जब भी तुम किसी दो फंडामेंटल यूनिट्स या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स को कंबाइन करते हो तो तुम्हें मिलता है एक डेराइव यूनिट। जैसे कि अब देख लो, मैंने मीटर लिया और ये एक सेकंड, मुझे स्पीड कैसे, स्पीड स्पीड का क्या होता है, स्पीड की डेफिनेशन क्या है या वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, मीटर कितने डिस्टेंस पर सेकंड या पर एक यूनिट टाइम में कवर हो गया, वो होता है स्पीड। तो अभी हम मीटर पर सेकंड की स्पीड निकाल रहे हैं, तो क्या होता है, मान लो ये आएगा मीटर पर सेकंड। यहाँ पे दो यूनिट्स कंबाइंड हुए, ये दो यूनिट्स कंबाइंड हुए ना, तो इससे पहले क्या यूनिट बना, तुम्हारा एक बना डेराइव यूनिट। इसमें बस यही होता है, दो कंबाइन करते, जैसे तुम कंबाइन कर रहे हो मान लो एरिया। अब एरिया क्या होता है, तुम्हारा दो यूनिट दो सेम यूनिट की कंबाइन हो रही है, दो यूनिट कंबाइन हो रहा है तो एरिया तुम्हारा क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसी तरह वॉल्यूम तुम्हारा मीटर क्यूब होता है, और तुम्हारा फिर मोमेंटम तुम्हारा होता है, मोमेंटम का तुम्हारा होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यानी एक वेट कितने स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वो मोमेंटम उसका बनता है, वो जितना फोर्स जनरेट करेगा उसके लिए होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब जब कोई चीज़ बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती है तो ये फोर्स बनाती है। अब एक्सेलरेशन का भी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी उसकी स्पीड जो है वो कितने पर सेकेंड वाली बढ़ती जा रही है, स्पीड का जो रेट होता है, स्पीड कितनी, स्पीड एक यूनिट टाइम में कितनी बढ़ रही है किसी चीज की, वो होता है उसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है डायरेक्ट डायरेक्ट यूनिट। बस इतना ही है कि तुम्हें दो यूनिट जब कमाए होते हैं फंडामेंटली के, तो तुम्हारा डायरेक्ट यूनिट बन के आता है। इसकी डेफिनेशन जान लो, एनी यूनिट विच कैन बी ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड अ डायरेक्ट यूनिट। सिंपल सिंपल इज दैट, नो डाउट। सो दीज आर थ्री सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, सीडीएस सिस्टम, एमडीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। अब देखो सीजीएस और एमडीएस जो होता है वो सिर्फ मेनली तीन चीजों पर ही फोकस करता है, लेंथ, मास और टाइम। बट एसआई सिस्टम में कौन सा डिफरेंस होता है, मैं आगे बता रहा हूँ चीज। तो सीजीएस में तुम्हारे क्या क्या होते हैं, सीजीएस में तुम्हारे की लेंथ के लिए होता है सेंटीमीटर, तुम्हारे मास के लिए होता है ग्राम, और टाइम के लिए एज ऑलवेज सेकंड। वहीं एमपीएस यूनिट में तुम्हारे लेंथ के लिए होता है मीटर, तुम्हारे मास के लिए होता है किलोग्राम, और तुम्हारे टाइम के लिए एज ऑलवेज सेकंड। अब ये और ये सब कुछ सिमिलर होता है, सिवाय इस बात की कि इसमें इसको इंक्लूड करते हुए और भी जितने फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जैसे मैं बताया इलेक्ट्रिक करंट और कई इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह, ये सब कुछ इंक्लूडेड रहता है एसआई सिस्टम में। और एसआई सिस्टम ही मेनली यूज होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यानी ये कभी भी किसी भी कंट्री टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती है। लेकिन अभी हम जानने वाले हैं मेनली इसके बारे में, तो लेट्स गो। एमपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें सबसे पहले आता है तुम्हारा मीटर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मीटर के बारे में, और 1791 पेरिस अकेडमी ऑफ साइंसेस ने ये डिक्लेयर किया था कि पोल से इक्वेटर, जो अर्थ का नॉर्थ, जैसे ये अर्थ है तो यहाँ दो पोल्स हैं, एक तुम्हारा इक्वेटर है, तो यहाँ से किसी पोल से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का जो 1 मिलियंथ पार्ट होता है, 1 मिलियंथ पार्ट वो होता है एक मीटर, यानी मीटर की एक
यूनिट। लेकिन ये बाद में चेंज कर दिया गया, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैंने देखी तो जाके देख लो ज्यादा आप समझ पाओगे कि बाद में जब एक और मीटिंग बैठी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड साइजेस जो कि वो भी पेरिस के आसपास में एक सिटी है वहां पर है, तो वहां पर उन्होंने इसे बदला और एक प्लैटिनम मीडियम अलॉय को का एक बार ला रखा जो कि अब एक मीटर के लिए जो कि परफेक्ट एक मीटर का मतलब क्या बोलते हैं रेप्लिका माना जाता है। और उसकी डेफिनेशन अब ये है, 1 meter is defined as 16,50,763.73 times the wavelength of a specified orange red spectral line in a emission spectrum of krypton 86. Krypton 86. 16,53,164.1 times the wavelength of the red line emission spectrum of cadmium. तो अब ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, तो अगर मैं दोनों फ्लैश का क्या होगा तो नोट इट डाउन। अब थोड़ा सा इसके मल्टीपल्स के बारे में जानते हैं, मल्टीपल्स ऑफ मीटर। अब इसके अंदर मल्टीपल्स ऑफ मीटर में क्या क्या तुम्हारा जो छोटे मल्टीपल्स में ले सकते, बड़े मल्टीपल्स में तुम ले सकते हो डेका मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, फिर आधा तुम्हारा किलोमीटर। अभी क्या होता है अब 10 मीटर को 10 इंटू 1 मीटर और 10 टू द पावर 1 मीटर इज कॉल्ड डेका मीटर। हेक्टामीटर होता है 10 इंटू 10 मीटर और 10 टू द पावर 4 स्क्वायर मीटर, ये होता है हेक्टोमीटर, यानी 100 मीटर हेक्टो 100 मीटर हुआ हेक्टोमीटर, 10 मीटर हुआ डेका मीटर। और जैसे सबको पता है किलोमीटर होता है 10 to the power 3 यानी 1000 meter। ये वो इसके बड़े मल्टीपल, बड़े मल्टीपल था, छोटे मल्टीपल्स में देखते हैं तो आता है तुम्हारा डेसीमीटर, तुम्हारा सेंटीमीटर, तुम्हारा मिलीमीटर, तुम्हारा माइक्रोमीटर बहुत होते हैं माइक्रोमीटर, तुम्हारा नैनोमीटर और तुम्हारा पिकोमीटर। अब ये क्या होता है डेसीमीटर तुम्हारा होता है 10 to the power -1 मीटर यानी 0.1 meter, 0.1 meter होगा तुम्हारा एक डेसीमीटर। ये होता है 10 to the power -2 meter यानी 10 divided by 100 meter इसके ऊपर हमारा 0.001 meter वाला सेंटीमीटर होगा। वैसे ये होता है 10 to the power -3 meter, ये होगा तुम्हारा 0.001 meter, माइक्रोमीटर तुम्हारा 10 to the power -6 होता है 4 नहीं -6 meter, 0.00001 meter। फिर आप फिर तुम्हारे 10 to the power 9 meter होता है और ये होता है 10 to the power -12 meter। ये होते हैं उसके स्मॉल मल्टीपल्स, ये होते हैं बड़े मल्टीपल्स। तो ये जैसे देखो जैसे ये छोटा होता रहा है ये बढ़ता जा रहा है, नोट कर लो उसको। अब हम बात करते हैं किलोग्राम के बारे में।
किलोग्राम जैसे तो तुमको पता है ये यूनिट है मास की। अब वैसे ही जैसे एक रक्षा दिया पेट में एक मीटर रॉड रखी है स्टैंडर्ड मीटर रॉड, वैसे ही वहां पर एक प्लैटिनम, ये भी प्लैटिनम में लिटियम एलॉय का है, उसका एक मास 1 किलोग्राम के मास का सिलेंडर रखा हुआ जो स्टैंडर्ड वाला आता है। तो इस तो उसका डेफिनेशन इस तरह आता है कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का जो फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.00 मीटर पर सेकंड, जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है तो जो मास बनता है, जो रिजल्टिंग मास आता है वो 1 किलोग्राम होता है। यानी when a force of 1 newton produces an acceleration of 1.00 meter per second square in a body, एक body में, then the mass of body is said to be 1 kilogram। यानी जब किसी body में 1 newton का force कितने का acceleration लाता है, तब उस body का mass होता है 1 kilogram। Note करो, इसके भी multiples रखे गए हैं, इसके भी multiples हैं, जैसे कि 1.1 quintal बहुत सब सुनते हुए अगर 1 क्विंटल चावल आ गया, 10 क्विंटल चावल आ गया, तो 1 क्विंटल चावल हो 1 क्विंटल तुम्हारा होता है 10^2 किलोग्राम, यानी 100 किलोग्राम तुम्हारा हुआ 1 क्विंटल। ये बड़े बड़े प्रश्न हैं और फिर उससे छोटे होते हैं 1 टन, जैसे सुनते हो 1 टन का ट्रक है उसका इतने टन का वजन है, तो ये होगा तुम्हारा 10^3 किलोग्राम, यानी तुम्हारा 1000 किलोग्राम होता है 1 टन। वैसे इसके छोटे भी होते हैं, छोटे छोटे तो हमेशा सुनते ही होंगे, जैसे 1 हेक्टोग्राम होता है, हेक्टोग्राम तुम्हारा होता है 10^-1 यानी 100 किलोग्राम, 100 ग्राम तुम्हारा 1 हेक्टोग्राम। अब ग्राम ऐसा छोटा, ठीक है ना, 1000 ग्राम। फिर तुम्हारा 1 डेकाग्राम होता है, डेकाग्राम तुम्हारा होगा 10^-2 किलोग्राम यानी 10 ग्राम, 10 ग्राम का 1 डेकाग्राम बनता है। फिर 1 ग्राम सब तुम जानते हो 10^-3 होगा 1 ग्राम तुम्हारा, ऐसे ही मिलीग्राम होता है जो 10^-6 होता है, वैसे पिकोग्राम होता है जो 10^-12 होता है, माइनस नहीं माइक्रोग्राम होता है जो 10^-9 होता है। तो ये जान लो, एक चीज जान लो, तुम्हारा हुआ डेसी मतलब -10^-1, सेंटीमीटर हुआ 10^-2, मिली मतलब हुआ 10^-3, माइक्रो मतलब 10^-6, नैनो हुआ 10^-9, और पिको मतलब 10^-12। ये याद रखनी, नोट डाउन कर लो, ये जैसे क्वेश्चन आते हैं इसके तो ये आसान पड़ता है, कन्वर्ट करने क्वेश्चन आते हैं तो ये आसान पड़ता है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइम के बारे में। अब देखो, तुमने ये काम किया फिर तुम घर गए, अब इतने टाइम में जितना वक्त लगा वो होता है जो भी दो भी इंटरवल, दो भी इवेंट्स, दो इवेंट्स के बीच में, अगर तुम यहाँ पे एक इवेंट तुमने कुछ काम किया, एक इवेंट तुम सभी के लिए, तुम सभी के लिए तुम्हारा, तो इन दो इवेंट्स के बीच में जो इंटरवल का जो गैप हुआ है उसको कहते हैं टाइम। जैसे तुम अपना दिन कर रहे हो 12 बजे से लेके 6 बजे तक जो रात होती है दूसरे पहले दिन की, तो उनके बीच में टाइम, उनके बीच में इंटरवल होता है, वो होता है टाइम, जब बोलता है 6 घंटे बीत गए तो यानी 6 घंटे क्या हुआ, यानी वो 6 घंटे का टाइम। अब ऐसे ही तुम्हारा होता है इसमें
इसमें दो चीजें मेजर होती हैं, पहला होता है सोलार डे, सोलार डे। अब ये होता है तुम्हारा जब अर्थ अपने एक्सिस पर, ना अर्थ ऐसे 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 से घूमती है, ऐसे ऐसे अपने एक्सिस पर जब वो एक चक्कर ऐसे घूम लेती है तब तुम्हारा बनता है कि सोलार डे। यानी सोलार डे कितने का होता है? 24 घंटे, 24 आवर्स का एक सोलार डे होता है। अब होता है मीन सोलार डे, देखो सारी जो सोलार डे होते हैं सारा रोटेशन जो तुम्हारा वो हमेशा सेम नहीं होता, कुछ बहुत ही माइक्रो में डिफरेंसेस आते हैं जो कि मेजर करने पे भी मतलब नेगलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन डिफरेंसेस होते हैं। तो वो जब वो अर्थ के अराउंड एक सीमा में है, अर्थ के अराउंड एक, अर्थ सन के अराउंड एक चक्कर घूमी, तो जितनी बार आपने एक्सिस पे घूमी होगी ना उतनी बार 365 बार आपने एक्सिस पे भी घूमी, तो उन सारे सारे जो सोलार डेज होते हैं वो उनका वो वैरी कर सकते हैं टाइम में, सब कुछ 24 घंटे वैसे भी 24 घंटा होता ही नहीं, लेकिन 23 घंटे कुछ मिनट का होता है तो वो वैरी करते हैं। तो उनका सबका जो एवरेज निकलता है 365 का वो होता तुम्हारा मीन सोलार डे। अब इसी में होता क्या होता है, एक आर एक घंटे का, एक घंटा क्या होता है, एक घंटा होता तुम्हारा जो 24 घंटे होते हैं एक दिन में उसका एक पार्ट होता तुम्हारा एक घंटा, वैसे तुम्हारा जो मिनट होता है तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं, एक दिन तुम्हारे 1440 मिनट्स होते हैं, तो एक मिनट क्या होगा इसका एक पार्ट, यानी 1/1440 मिनट जो होता है वो होता है तुम्हारा एक मिनट। वैसे तुम्हारा कितने सेकेंड्स होते हैं एक दिन में, तो एक सेकेंड होगा 1/8640 पार्ट ऑफ वन डे इज कॉल्ड 1 सेकेंड। यही सब छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, तो टाइम हमारा खत्म होता है। तो आज हमने इसमें पढ़ा फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, हमने जाना डेराइव यूनिट्स के बारे में, हमने जाना सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, तीन सिस्टम्स होते तुम्हारे CGS, MKS और SI यूनिट्स। हमने MKS में जाना, उसमें मीटर की डेफिनेशन जानी, उसमें किलोग्राम के बारे में जाना, हमने टाइम के बारे में जाना, उसके छोटे छोटे बड़े मल्टीपल्स के बारे में जाना। तो इसी का हम ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और सारा